Welcome students, I welcome to my online classes on Introduction to Time Series Analysis Part 2. Here we will discuss the methods for measuring secular trend. The basic question here in this session we will discuss is what are the methods of measuring secular trend? Secular trend ko hum log bolte hain sudirghkaleen pravriti ya upniti ka mapan. इसके अंतर्गत हम लोग चार कैसे इसको हम लोग मेजर करेंगे इसके इसमें हम लोग चार विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे. पहला विधि है फ्री हैंड कर्व मेथड, मुक्त हस्त रीति. दूसरा है सेमी एवरेज मेथड, अर्ध मध्यक रीति. तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य रीति. और चौथा है ली स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति. इस सेशन में हम लोग पहले दो मेथड्स के बारे में बताएंगे और इसका अध्ययन करेंगे और सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे. पहला है फ्री हैंड कर्व मेथड, जिसको आप लोग बोलते हैं मुक्त हस्त रीति. इसमें हम लोग सिंपली एक ग्राफ पेपर लेंगे और पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब हम लोग टू डायमेंशनल फिगर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस. यहां हम लोग एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर. यहां समय है. और वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को. और जो पॉइंट्स हम लोग के रहेंगे उसको प्लॉट करेंगे और एक फ्री हैंड स्मूथ कर्व उन पॉइंट को ज्वाइन करके बनाएंगे. फ्री हैंड स्मूथ कर्व मतलब अपने हाथों से उन बिंदुओं, पॉइंट्स मतलब बिंदुओं को जोड़ते हुए हम लोग एक स्मूथ कर्व बनाएंगे. और थर्ड स्टेप्स मैंने यहाँ स्टेप्स के बारे में बताया है, एग्जामिन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बेस्ड ऑन द प्लॉटेड पॉइंट्स. प्लॉटेड पॉइंट्स जो हम लोग के, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे कि ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, किस तरह का ट्रेंड है. और चौथा क्या है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच विल पास थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स. अब इस ट्रेंड की डायरेक्शन को जानने के लिए कि किस तरफ जा रहा है ये ट्रेंड, उसको जानने के लिए हम लोग अपने हाथ से ही एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे. स्ट्रेट लाइन कैसा, स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए जो बिंदुओं, ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को स्पर्श करे या उसके नजदीक हो, ऐसा लाइन हम लोग बनाएंगे. उस लाइन के माध्यम से हम लोग ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे. इस विधि के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स मतलब लाभ, डीमेरिट्स मतलब हानियां. मेरिट्स क्या है, ये एक सिंपल विधि है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है और इस मेथड को हम लोग लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ट्रेंड बोथ के लिए यूज कर सकते हैं. डीमेरिट्स में क्या है कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव मेथड. और दूसरा ये है कि ये डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा यूज किया जाता है, वैल्यूज ऑफ ट्रेंड को निकाला जाता है और उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, तो ये इसमें थोड़ा अलग हो सकता है. तो इस कारणवश इस पर हम लोग ज़्यादा रिलाई नहीं भी कर सकते हैं. सो इट हेंस नॉट रिलायबल, भरोसा आप नहीं भी उतना कर सकते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ आप दो वेरिएबल देख रहे हैं, एक है ईयर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो 2010 से 2017 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है पावर यूज्ड. यहाँ जो मिनिमम वैल्यू है वो है 15 और मैक्सिमम जो वैल्यू है देखिए आपको देखने को मिलेगा 32. मैं इसको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब इसको प्लॉट करूँगी तो मैं अपना स्केल अकॉर्डिंगली ही फिक्स करूँगी. आप देख रहे हैं कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल है, जो एक्स एक्सिस जो है वो है 2010 से 2017, और जो वर्टिकल एक्सिस में, जो वाई एक्सिस में आप देख रहे हैं वो है पावर यूज, जिसको हम लोग स्केल ले रहे हैं 0, 5, 10, 15, 5 करके बढ़ रहे हैं अप टू 35. मतलब मेरा जितना डेटा पॉइंट्स है उसके अंदर रेंज में आ जाना चाहिए, मेरा कर्व जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, कर्व का लाइन जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए.
अब आप लोग को देख रहे हैं कि एक नीला लाइन देख रहा है देखने को मिल रहा है और एक लाल। नीला लाइन क्या है? वो आपका ग्राफिकल मेथड्स जो फ्री हैंड मेथड जो है उसके माध्यम से आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं 15, 20, 21, 25, 28, 26 उन बिंदुओं को फ्री हैंड अपने हाथों से उन पॉइंटों को आप जोड़ ले रहे हैं और उसको लिंक करके लाइन की भांति ला रहे हैं। और ये जो लाल लाइन है वो ट्रेंड लाइन है। इसको भी हम लोग अपना फ्री हैंड से ही बनाते हैं, कोई स्केल के माध्यम से नहीं। ये कोशिश कर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं से पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं के समीप हो, क्लोज बाय, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो इससे हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेंड को दर्शा रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड को भी हम लोग लॉन्ग रन में ट्रेंड वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और इसके स्टेप्स क्या क्या है? इफ द सीरीज इज इवन, देखिए यहाँ सीरीज इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। इवन और ऑड का मतलब ये मैं ईयर आपका जो वेरिएबल है ईयर, यदि हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। पहले स्टेप्स जान लेते हैं। यदि सीरीज इवन है तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। यदि सीरीज ऑड है तो हम लोग उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन उसमें इक्वल पार्ट्स में तभी डिवाइड कर सकते हैं जब हम लोग एक मिडिल ईयर को ओमिट कर देते हैं। जैसे इवन ईयर्स की बात करते हैं तो वो है 8 साल, तो 8 को मैं टू हाफ्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे 4-4 साल। लेकिन उसी तरह यदि मेरा 9 साल हो गया तो उस केस में हम लोग हाफ कैसे करेंगे? हम लोग 4 साल एक तरफ लेंगे, दूसरे तरफ 4 साल लेंगे और बीच का 1 साल छोड़ देंगे। तीसरा क्या है? ईच पॉइंट इज प्लॉटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच हाफ। जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा, ये हम लोग को सेमी एवरेज जो हम वहां से कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को 2 पॉइंट मिलेगा और वही 2 पॉइंट हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उससे हम लोग लाइन खींच के, एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसको ज्वाइन करेंगे और वही लाइन जो है वो हमारे ट्रेंड लाइन को दर्शाएगा। द लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट द ट्रेंड लाइन कैलकुलेटेड बाय द मेथड्स ऑफ सेमी एवरेज एवरेजेस। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे इस मेथड को। पहले हम लोग ऑड डेटा को लेंगे और उसके बाद हम लोग इवन डेटा में देंगे। यहां व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स आर ऑड, जब ईयर का जो नंबर ऑफ, क्योंकि हम लोग टाइम सीरीज ले रहे हैं तो ईयर आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें देखिए मैं जो वेरिएबल, यहाँ क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछा गया है फिट अ ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस फॉर अ गिवन डेटा। यहाँ मेथड को बोला जा रहा है कि यही मेथड को यूज करके आपको ट्रेंड लाइन बनाना है एंड एस्टिमेट द ट्रेंड फिगर ऑफ द ईयर 2020। अब देखिए ये जो मेथड है ये सिर्फ ट्रेंड लाइन को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, बनाने की को हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो फोरकास्टिंग में भी सहायक हो रहा है। यहाँ जो डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ ईयर हम 2013 से 2019 ले रहे हैं, तो यहाँ साल कितने हैं? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ये जरूरी, ये देखिए कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। यहाँ हम 7 ईयर्स को ले रहे हैं, तो दिस इज एन ऑड ईयर, ऑड 7। और डिपेंडेंट में क्या ले रहे हैं? सेल्स ले रहे हैं। क्या यहाँ 1000 रुपीज, INR इज इंडियन रुपीज, यहाँ 20,000, 24,000, 19,000, 21,000, तो 1000 में है ये। अब इसको हम लोग यदि प्लॉट करें या फ्री हैंड बनाए भी तो ये ब्लू लाइन, जैसे आपको मैं पहले भी बताई हूँ, इस तरह का बनेगा। और जो रेड लाइन दिख रहा है दैट इज द ट्रेंड लाइन। तो हम लोग इस मेथड में ये जो रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है इसको कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो स्टेप्स जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ देखिए 4 कॉलम है जिसमें पहला कॉलम है ईयर,
दूसरा कॉलम है सेल्स जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद हम लोग एवरेज फिगर्स निकालेंगे सेमी एवरेज। इसमें सेमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ हम लोग जो डेटा को है वो दो भाग में बांट ले रहे हैं। यहाँ 7 points हैं, तो मैंने 7 से मैं 1 year को माइनस करूंगी तो वो हो गया 6 years। 6 years मीन्स 3-3 करके इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ 2013 से 2015 मैं 3 साल ले रही हूँ, जैसे आप कलर में देख सकते हैं 2024-19। इसका मैं एवरेज लूंगी 20 + 24 + 19 जो 63 आता है डिवाइडेड बाई 3, और इसका आंसर है 21। तो 21 उसका एवरेज है 3 सालों का। 2016 को मैं छोड़ दे रही हूँ, दैट इज द लेफ्ट आउट ईयर। क्यों? क्योंकि ये ऑड ईयर्स हैं, मतलब ये 7 सालों का हम देख रहे हैं, तो इसीलिए बीच वाला जो साल है उसको मैं यहाँ ऑमिट कर रही हूँ। फिर 2017, 2018, 2019 को देख रहे हैं, उसका भी मेरे को एवरेज निकालना है 26 + 22 + 25। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं डिवाइडेड बाय 3 यदि करेंगे तो 73 / 3 आएगा, और जिसका आंसर है 24.3। तो हम लोग को 2 average points मिल रहे हैं, एक है 21 और एक है 24.3। अब आते हैं मीडिया, यहाँ ईयर किसको लेंगे, क्योंकि हमको तो एक एक्सिस का मिला है, वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ हम प्लॉट करेंगे जो 21 है और 24.3। दूसरा यदि हम टाइम को देखेंगे तो कौन सा साल लेंगे, 2013 और 2015 के बीच में कौन साल आ रहा है, 2014। तो 2014 को हम फर्स्ट हाफ के लिए लेंगे, और सेकेंड हाफ के लिए लेंगे हम लोग 2018, क्योंकि वो 2017 और 2019 के बीच में आ रहा है, और हम लोग ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। आप यहाँ देखिए जो रेड लाइन है वो आपका ट्रेंड लाइन है, जो सेमी एवरेज मेथड के द्वारा हम लोग एस्टिमेट किए हैं और बनाए हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट आ रहा है 21 जो 2014 में किए हैं, और एक पॉइंट आ रहा है 2018 में जो है 24.3। ये ट्रेंड लाइन है, और इसको यदि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट खींचे तो ये हमारे 2020 में कितना होना चाहिए सेल्स पर 1000, इसको भी प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल है। जैसे कि ये अंदाज मतलब देखने से आपको लग रहा है कि ये 25 ऊपर है, हो सकता है 26,000 INR सेल्स 2020 में ये हो सकता है। अब आते हैं व्हेन द नंबर ऑफ इयर्स आर इवन, एग्जांपल 3 में ये, यहाँ हम लोग वही सेमी एवरेज मेथड से देखेंगे, लेकिन यहाँ साल आप यदि देखेंगे तो यहाँ साल 8 साल हैं, 2012 से 2019। डिपेंडेंट वेरिएबल सेम है जो है सेल्स 1000 INR। इसको हम लोग ठीक उसी तरह से यदि हम लोग फ्री हैंड बनाते हैं, जस्ट पॉइंट्स को जॉइन करके बनाते हैं तो ब्लू लाइन, और यदि सेम यदि ट्रेंड लाइन देखते तो रेड ट्रेंड लाइन। तो वही रेड वाला जो लाइन है ट्रेंड लाइन जो है वो इस सेमी एवरेज मेथड के द्वारा हम लोग बनाएंगे और कैलकुलेशंस जो है उसको देखेंगे। यहाँ सेम वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ डिफरेंस किस में आ रहा है, हम लोग जो डिवाइड यहाँ जो कि 8 साल है तो इसमें 2 halves करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 4 साल 4 साल 2012 से 2015 आप लोग कलर भी देख सकते हैं उसको हाईलाइट किया गया है, और 2016 से 2019 4 साल का उसका हम लोग एवरेज लेंगे। जैसे पहला हाफ का मैंने एवरेज लिया है 20 + 24 + 19 + 21, इसका योग आ रहा है 84, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से, सो उसका आंसर है 21। जबकि सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं इट इज 26 + 22 + 25 + 26, इसका योग फल आ रहा है 99, उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से और वो इक्वल टू 24.8 आ रहा है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है कि हम लोग साल कौन सा लें, क्योंकि यहाँ हम 13 या 14 आप कौन किसको मानेंगे, या तो 13 होगा नहीं तो 14 होगा, तो ये जो मिड ईयर है या तो हम लोग 13 ले सकते हैं या तो 14 फर्स्ट हाफ के लिए और दूसरे के लिए 17 या 18। तो यहाँ इस केस में मैंने 2013 को लिया है और सेकेंड हाफ के लिए 2017 को लिया है, और उसको पॉइंट आउट क्या है, यहाँ देखिए 2013 में 21 है 21 है और 2017 में देख रहे हैं इट इज 24.8, एंड अकॉर्डिंगली वी आर प्रेडिक्टिंग द ट्रेंड लाइन
इन दिस केस। अब इस विधि के भी कुछ मेरिट और डीमेरिट, लाभ और हानियां हैं। पहला ये अच्छा है कि इसमें से हम लोग फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। ये मेथड जो है, ये इफ द एक्चुअल ट्रेंड जो है ये स्ट्रेट लाइन है, यदि ये स्ट्रेट लाइन से क्लोज या इस टाइप का ट्रेंड है, टाइम सीरीज है, तो तब ये मेथड जो है वो ज़्यादा कारगर है और विल यील्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। लेकिन ये मेथड दिखने में एकदम सिंपल लग रहा है अप्लाई के लिए, लेकिन यदि ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेंड बाय दिस मेथड और प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो है वो मे नॉट बी प्रिसाइज इफ दे आर यूज इनडिस्क्रिमिनेटली। तो ये कुछ मेरिट और डिमेरिट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दो विधि जो है, मूविंग एवरेज मेथड और ली स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है रेफरेंसेस। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।